हेलो चार्ली, हेलो हेलो चार्ली, मैं मौसम विभाग से साइंटिस्ट पांडे बोल रहा हूँ। बोलो पांडे, पांडे बोलो, अरे बोलो पांडे। अबे जी तो ला। सॉरी पांडे जी, बोलिए। आज का मौसम का हाल, आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जाएगा और 27 डिग्री तक नीचे आएगा। हाँ, बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, ओवर। अरे शुक्ला जी, क्या हुआ? कपड़े पहने पहने नहाए क्या? नहाए तो नहाए, पहुंच तो लेते। यही तो। अरे कपड़े पहन के नहीं नहाए हैं, बारिश में भीगे हैं। क्या? हाँ। अरे तो छाता लेके नहीं निकले थे? छाता नहीं था तो रेनकोट पहन लेते। यही तो, भीगते तो नहीं। अरे सब पांडे जी की वजह से। क्या? अरे आपने कहा था कि नहीं कहा था कि आज बारिश नहीं होगी? वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बारिश नहीं होगी। अरे नहीं होगी, लीजिए, बाहर बारिश हो रही है, जाके देखिए। क्या पटेल, इस गुब्बारे को हवा में छोड़ा यार, ताकि हवा की रफ्तार और दबाव का पता चले। नहीं, अभी कमेंट्री सुन रहा हूँ मैं। कमेंट्री तो मैं बताता हूँ तेरी को। सुनो, अरे यार, सलाम अलैकुम भाई साहब। 104 पे छे जी? पाकिस्तान। मैं अनवर 76। अनवर 76 नहीं, अख्तर 46। नहीं, अनवर 76। अनवर 76 नहीं, मैं अख्तर 46। अरे मैं कह रहा हूँ अनवर 76। कमाल है भाई साहब, मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं। अनवर नहीं अख्तर, और 76 नहीं 46। कमेंट्री मैं सुन रहा हूँ, तुम क्या जी? मतलब आप सुन रहे हैं? हाँ, तो किसे पता होगा अनवर 76 या अख्तर 46? मुझे है? कमेंट्री मैं सुनूं और स्कोर आपको पता होगा? स्कोर? हाँ, तो आपको क्या लगा मैं कब से सैयद अनवर का मकान नंबर बोल रहा हूँ? आपका तो पता नहीं भाई साहब, लेकिन मैं अपना बता रहा था, अख्तर 46। क्या स्कोर? नहीं नहीं, मकान नंबर, मैं 46 नंबर मकान में रहता हूँ। सॉरी सॉरी, मुझे लगा आप वो शोएब अख्तर का 46 है। सॉरी, बोलिए जी, मुझे कुछ काम था आपसे। अभी बात में बात ना। नहीं नहीं, कुछ थोड़ा जरूरी। कहाँ जा रहे हो? आपने कहा ना आउट। अरे शायद अनवर आउट हो गया, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब, परसों मेरी लड़की की शादी है। हाँ तो भाटिया जी से मिले जी। वो शादी वादी वही डील करता है, उनको मजा आता है। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि परसों बारिश होगी या नहीं। अगर होगी तो मैं कोई हॉल बुक कराऊं, अगर नहीं होगी तो भाई साहब अपने घर के सामने खुले मैदान में थोड़ा सस्ता पड़ता है ना। हाँ तो मौसम विभाग में पूछिए ना। ये मौसम विभाग ही तो है क्या जी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो रिपोर्ट भाटिया जी बनाते हैं, उनसे मिलिए जी। कैच कैच। आओ भाई, आओ आओ आओ। शुक्रिया। अरे शुक्रिया क्या, बताइए क्या जानना चाहते हैं जी? परसों मेरी लड़की की शादी है। आहा, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। डोंट वरी, मैं पहुंच जाऊंगा। कहाँ है? कहाँ जी? मेरे घर के सामने खुले मैदान में ही है। अच्छा, घर किधर है जी? मकान नंबर 46 नई सड़क। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो इस सड़क है ना जो नई नई बनी है अभी जी? नहीं, वहाँ सड़क तो है ही नहीं साहब। अच्छा, तो कोई नाम नहीं सड़क का? बस ऐसे ही, ताकि सड़क का एहसास रहे। ओके, डोंट वरी, मैं पहुंच जाऊंगा। मेनू क्या है? मेनू मतलब खाने का इंतजाम जी? वो आफरीन कैटरर्स। बहुत अच्छे। टाइम? दिन के 1:30 बजे। परफेक्ट, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं पहुंच जाऊंगा शार्प 1:30 बजे। मैं आपको बुलाने नहीं आया भाई साहब। तो यहाँ क्या मौसम का हाल पूछने के लिए आए आप? दरअसल मैं ये जानने आया था कि परसों बारिश होगी या नहीं। नहीं होगी। नहीं होगी ना? नहीं होगी। पक्का नहीं होगी ना? अरे पक्का। शुक्रिया भाई। अरे ये अपने पास ही रखिए, शुक्रिया वुक्रिया, एक दावत में तो बुला नहीं सकते आप। दरअसल बात यह भाई साहब की ये जलसा बहुत छोटा सा है, सिर्फ घर के लोग ही शामिल। भाई साहब आप जाइए, जब तक यहाँ खड़े रहेंगे मूड खराब होता रहेगा, चलिए जाइए यहाँ से। शुक्रिया। क्या हुआ भाटिया साहब, बहुत टेंशन में हो? अरे यार क्या साला डिपार्टमेंट है, तो रिश्वत तो छोड़ो, कोई बड़ा पाव खिलाने को तैयार नहीं है। मेरे मामा का लड़का इनकम टैक्स में है, जलन होती है, बाय गॉड इतनी इनकम है उसकी। अच्छा, और क्या, यहाँ तो साला पान भी अपने ही जेब से खाओ। अरे कैसी पब्लिक है यार। पब्लिक छोड़िए, डिपार्टमेंट ही पनौती है। कौंगा जी? मुसद्दी भाई, मुझे लगता है आज बात कर लेनी चाहिए। जी मुसद्दी भाई, लेकिन बात करें किससे? वो देखो मुसद्दी भाई, वो आदमी जो पान खा रहा है ना, वो मुझे काम करता दिखता है। बाकी सब तो बेकार नजर आ रहे हैं। जी मुसद्दी भाई। आ जाओ, आ जाओ जी। माफ कीजिए।
कर दिया। सुनिए, सुन रहे हैं? हमें देख के सुनिए भैया, हम कान से सुनते हैं, आंख से नहीं। आप बोलिए। देखिए, मेरा नाम मुसद्दी लाल झींगा है। देखने में तो एकदम पाम्पलेट लग रहे हैं आप। क्या? देखने में एकदम पाम्पलेट लग रहे हैं आप। लड़ाई मत करिए, समस्या बोलिए क्या है। बात यह है कि मैं मछुआरा यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, तो आपका डिपार्टमेंट जब हम मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो हमें ठीक जानकारी नहीं देता। अब भैया, अब हमारा डिपार्टमेंट कैसे जानकारी दे सकता है आपको कि कहाँ मछली है, कहाँ केकड़ा? नहीं, मछली पकड़ने की जानकारी नहीं। तो किस चीज़ की जानकारी? आपका डिपार्टमेंट किस चीज़ की जानकारी देता है? भैया, मौसम छोड़ के सब चीज़ की जानकारी। क्या? मौसम छोड़ के सब चीज़ की जानकारी? लड़ाई मत की भैया, मौसम विभाग है तो मौसम की ही जानकारी देगा ना। बोलिए, हम आज रात जाएं? कहाँ जा रहे हैं? मछली पकड़ने। ना जाए 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 जाए। तूफान तो नहीं आएगा? नहीं, फोन तो नहीं आया। किसका? तूफान जी का। अरे भाई, हम मछली पकड़ने जाएं कि नहीं जाएं? अरे भाटिया साहब से पूछिए ना। ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे आप कहाँ बताने देना, तब से पूछ रहे हैं जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। जाओ। कहाँ जाएं? भाटिया जी के पास। भाटिया के पास जाना है। तो हम जाएं? किधर? मछली पकड़ने। मछली? अरे कौन कौन सी मछली पकड़ते हैं आप? हम बहुत सी मछली पकड़ते हैं। झींगा पकड़ते हैं, रावस पकड़ते हैं, सुरमई पकड़ते हैं, केकड़ा पकड़ते हैं। अरे यार, कभी कभार एक दो बड़ी मछली हमें भी भिजवा दिया करो, मछली के पकौड़े खाने का बड़ा मन करता है। हाँ हाँ, जरूर भिजवा देंगे। झींगा भिजवाऊं? उससे बड़ी। बॉम्बिल? उससे बड़ी। पॉम्फ्रेट? थोड़ी और बड़ी। सुरमई? थोड़ी और बड़ी। रावस? थोड़ी सी और बड़ी। शार्क भिजवाऊं? थोड़ी और बड़ी। है तो क्या पूरी वेल खाएगा? और नहीं तो क्या? अब बोल, बता, जाऊं कि ना जाऊं? जाओ। पर कहाँ जाने के लिए कह रहे हो? कहाँ जाने के लिए पूछ रहे हो? हम तो समंदर में जाने के लिए पूछ रहे थे। मैं तो घर जाने के लिए कह रहा हूँ। क्यों? मेरी मर्जी। तो मतलब हम ना जाएं? तुम्हारी मर्जी। देखिए, इस तरीके से तो लगता है कि आप जवाब नहीं देना चाहते। मेरी मर्जी। तो मतलब हम मान लें कि आप हमें तंग कर रहे हो। तुम्हारी मर्जी। क्या करेगा? मुझे बड़ा खाऊ टाइप का आदमी दिखता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बिना खाए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। हाँ, मुझे भी। क्यों भाटिया भाई, आप खाऊ हो? आपको क्या लगता है? मुझे तो आप बहुत बड़े खाऊ लगते हो। तो फिर सोच क्या रहे हो? खिलाओ। क्या खिलाऊं? कैश दे दो, हम खुद खा लेंगे। क्यों होगा? 150 दे देते, इन्फॉर्मेशन तो सही मिलेगी। हाँ ठीक है, ला 50 रुपए। लो 50 रुपए। ये जल्दी कर, ये लो। लो भाटिया भाई, ये क्या है? ये 50 रुपए है। हम नहीं लेते। नहीं, अभी तो आपने कहा लाओ दो। अरे ये 50 रुपए नहीं लेते। तो कितना लोगे? 500। क्या 500? 500 तो बहुत ज्यादा है। अरे अकेले हम थोड़ी खाते हैं, ऊपर तक जाता है। कितनी ऊपर तक जाता है? भाई चला 50 रुपए दे। ये लो 100 रुपए। ये क्या भीख दे रहे हो क्या? 500 से एक पैसा कम नहीं। अच्छा, अरे ठीक ठीक, ये ना तुम्हारी रही ना हमारी रही, लो 300 रुपए। देखो, 500 से एक पैसा कम नहीं होगा, दे तो वो तो दो, नहीं तो निकलो पतली गली से। दे दूं सदी भाई, नहीं तो नाराज हो जाएगा। ला तो दे दो। ये लो भाटिया भाई, पूरे 500 गिन लो। पूरे हैं। अब तो हम जाएं? हाँ जाओ जाओ। कहाँ? घर? नहीं, समंदर में। हमें कोई खतरा तो नहीं होगा? हमें कोई खतरा नहीं है। नहीं नहीं, आपकी नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमें कोई खतरा तो नहीं है ना। ठीक है, चल। अरे सुनो, आते वक्त 5-6 पॉम्फलेट ले आना। हाँ हाँ, मैं भिजवा दूंगा। चलो चलो, कोई खतरा नहीं है। चलो, कोई खतरा नहीं है। अरे वाह, क्या भाटे जी, अकेले अकेले 50 रुपए। थैंक यू। अगर आपने उनको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी? मुझे तो लगता है कि बहुत तूफान आएगा समंदर में और बहुत तेज बारिश होगी, कहीं डूब डूबा गए तो। तो हमारे बाप का क्या जाता है, अगर बच गए तो 5-6 पॉम्फलेट ले आएगा। अच्छा, मतलब 5-6 पॉम्फलेट के लिए 10-12 मछुआरों को भेज दिया? नहीं, 10-12 मछुआरों के बदले 5-6 पॉम्फलेट खरीद ली। बाजे, आपको क्या लगता है, बारिश होगी? मूसलाधार होगी बेटे। खाओ भाटिया ना, खाओ भाटिया ना, खाओ भाटिया। प्रेजेंट कौन है? आप है। तो फिर कौन बोलेगा खाओ भाटिया? हाँ, आप बोलेंगे। तो मैं बोलूंगा खाओ भाटिया, खाओ भाटिया ना। क्या होगा मसूदी लाल जी, मेरी पॉम्फलेट ले आए? तेरी तो मैं पॉम्फलेट बना दूंगा, तेरी पॉम्फलेट बना दूंगा। प्रेजेंट कौन है? आप है। तो पॉम्फ्रेट कौन बनाएगा? आप ही बनाएगा। पॉम्फ्रेट मैं बनाऊं? पॉम्फ्रेट बना दूंगा। अरे क्या बात हो गई, इतने नाराज क्यों हो रहे हैं आप? नाराज क्यों हो रहा हूं? अरे कल 10-10 मछुआरे मरते मरते बच गए वहां पे, समंदर में तेज तेज लहरें चल रही थी। अरे तो गए क्यों थे समंदर में? ये तो कहा था जाने के लिए। अरे मैं कहूंगा बाहर में चले जाओ तो चले जाओगे? बाहर में तेरे को भेज दूंगा, बाहर में भेज दूंगा। प्रेसिडेंट कौन है? आप। तो कौन भाड़ में भेजेगा? आप। भाड़ में मैं भेज दूंगा। अबे पैसे लेके तू झूठ बोलता है हमसे। अरे मार, 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 अरे मार,
बता दूंगा तुझे। ये क्या कर रहे हो? इसको मार रहा हूँ, तू खाएगा? नहीं नहीं, मैंने जो बातें की, मुझे क्यों मार रहे हैं आप? अरे मेरे को मार दे, अरे मारो, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे छोड़ूंगा नहीं इसे, इसे तो मैं फोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा। आप प्रेसिडेंट, आप है, आप मारेंगे, आप फोड़ेंगे। हाँ मैं फोड़ूंगा उसको, तेरे को तो मैं फोड़ दूंगा। देखो देखो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो ये मर जाएगा या तो बच जाएगा। मर गया तो ठीक, मगर बच गया तो दो बातें होगी, या तो ये आप पर केस करेगा या तो नहीं करेगा। नहीं किया तो ठीक, मगर किया तो दो बातें होगी, या तो तुम केस हार जाओगे या तो जीतोगे। सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाने पर कोई केस जीता है? नहीं जीता है। और हार गए तो दो बातें होंगी, या तो तुम इसकी माफी मांगोगे या तो जेल जाओगे। जेल गए तो गए, मगर माफी मांगी तो, अरे वाह 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 वाह, माफी मांगनी है तो तभी क्यों, अभी मांगो माफी, मांगो माफी। भाटिया मुझे माफ कर दो, आपको माफी मांगते गलती इसकी है। प्रेसिडेंट कौन है? आप है। कौन है प्रेसिडेंट? आप। तो जो मैं चाहूंगा वो करूंगा ना, गलती इसकी है। हाँ तो इसकी कंप्लेन करो ना। कहाँ पर? बड़े साहब से। वो कहाँ है? नाम बोलो सासन। बर्तन धोए? गुड। कपड़े? क्यों, पानी चला गया? कोई बात नहीं, साबुन लगा के धूप में डाल दो, कल पानी बरसेगा तो अपने आप धुल जाएंगे। हाँ पांडे जी ने कहा है कल बारिश होगी। हाँ और सुनो, कपड़े ठीक से धोना, नहीं तो मैं तुम्हें धो डालूंगी, समझी? बाद में नहीं कहना कि धो डाला, समझ गई ना? रखती हूँ। मैडम हम अंदर आ जाएं? अंदर आ जाएं? एक सेकंड, प्रेसिडेंट कौन है? आप। तो बस मैं ही बात करूंगा सिर्फ। मैडम हम अंदर आ जाएं? हाँ, क्या धुलवाना है? जी सॉरी, क्या परेशानी है? देखिए परेशानी ये है कि आपका डिपार्टमेंट जो है वो हमें कभी भी कोई सही जानकारी नहीं देता है। हमें भी कहाँ मिलती है? है जी? मतलब सैटेलाइट से जब इंफॉर्मेशन आती है तब हम आपको देते हैं ना? आपको पता है आपके आदमी की गलती की वजह से 10 मछुआरे कल मरते मरते बचे। मेरे आदमी की गलती की वजह से? हाँ जी। मेरा आदमी कहाँ मिला आपको? वही बाहर, बड़ा खाऊ आदमी है। कौन? वही भाटिया। वो मेरा आदमी है? तो और किसका आदमी है? पागल हो गया क्या? मेरा आदमी तो घर में बैठा होगा। नहीं वो घर वाला आदमी नहीं। तो फिर किस आदमी की बात कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, गलती होगी मुझसे, गलती होगी। माफी मांगो। कमाल है, दो बार तो बाहर हम माफी मांग के आ रहे हैं, अब आप, अच्छा ठीक है माफ कर दो। या जाओ। कहाँ जाएं? जहाँ से आए वहाँ। एक सेकंड मैडम, ये सैटेलाइट के थ्रू मौसम के बारे में नई जानकारी आ रही, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तो सिग्नल है, डिकोड करना पड़ेगा। कैसे? तुम्हें नहीं आता? नहीं, मुझे भी नहीं आता। तुम्हें आता है? मैं तो मछुआरा हूँ। तो क्या हुआ, सिग्नल डिकोड करना तो आना चाहिए ना। डिकोड करना आता? तूफान आने वाला है। क्या? तूफान आने वाला है? कौन पान खाने वाला है? यहाँ तो आपके अलावा और कोई पान नहीं खाता है। पान खाने वाला नहीं है, तूफान आने वाला है। हाँ तो ऐसे बोलिए ना। क्या, तूफान आने वाला है? कब? परसों 5 तारीख को रात में। कहाँ? यहाँ गुजरात में, और कहाँ। तब तो मछुआरों की बस्ती को खतरा है। यही तो हम क्या करें? बस्ती खाली कर दो। बस्ती क्यों खाली कर दें? अरे पिछली बार नहीं खाली की थी तो तूफान ने अपने आप खाली करवा दी थी। हो सकता है इनकी जानकारी गलत हो। तो जी है, मत करो, बाद में हमें दोष मत दे। हाँ खाली कर दो, खाली कर दो। अरे प्रेसिडेंट कौन है? अरे बाहर में क्या प्रेसिडेंट, यहाँ जान पे बनी है, इसको प्रेसिडेंट की पड़ी है। चलो चलो खाली कर दे। अरे मैं भी तो खाली करने के लिए कहने वाला था, पता नहीं कभी कभी इसको क्या हो जाता है। शुक्ला जी, पक्का तूफान आने वाला? आई होप सो। शुक्ला कहाँ है? शुक्ला कहाँ है? कहाँ है शुक्ला? प्रेसिडेंट कौन है? आप। तो कौन पूछेगा शुक्ला कहाँ है? आप पूछेंगे। तो मैं पूछूंगा शुक्ला कहाँ है? अरे क्या है? अरे उस दिन तो आपने कहा था कि तूफान आने वाला है, हम इंतजार करते रहे, तूफान ही नहीं आया। अरे भाई साहब आप तो ऐसे बोल रहे हैं, तूफान का नहीं मेहमान का बैठ कर रहे हैं। पर तूफान आया तो नहीं ना, हमने तो उसी दिन घर खाली कर दिया था। गोद तो चिंता किस बात की है? अरे हमारा सारा सामान रखा हुआ है वहाँ पर। तो उसके लिए पुलिस है ना, उसी बात की तो चिंता है। उसी बात की तो चिंता है। कौन है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट कौन है? मैं बोलूंगा ना। हम घर वापस जाना चाहते हैं भाई। मत जाइए, ताजा जानकारी के अनुसार तूफान आने वाला है, तेज हवाएं चलेंगी। कितनी तेज? इसके लिए पता लगाना पड़ेगा। पटेल? हाँ जी, आया पांडे।
फटेगी? गुब्बारा छत पे छोड़ गया, पता तो लगे हवा की रफ्तार कितनी है। नहीं मगर गुब्बारा नहीं है। कहाँ गया? शुक्ला जी घर ले गए थे। वो बच्चा कह रहा था पापा गुब्बारा गुब्बारा, तो हम वही वाला गुब्बारा दे दिए। इतना बड़ा? अब इतना बड़ा सर, वो खेलता खेलता उड़ाएगा ना सर, अब वो आगे चल के भी तो मौसम विभाग में ही आने वाला है। हेलो, हाँ एक मिनट, शुक्ला जी आपके घर से फोन है। हाँ हेलो, आ रहे। क्या हुआ शुक्ला जी? अरे कुछ नहीं गुरुदेव, बच्चा गुब्बारे के साथ खेलता खेलता हवा में उड़ गया, उतार के ले आते हैं बस। शुक्ला जी उसको बोलना कि आते वक्त हवा की रफ्तार का पता लगाता है। तो मतलब ये है कि आपके पास मौसम की कोई जानकारी नहीं है? है ना, तूफान इस वक्त यहाँ से 300 किलोमीटर दूर 35 डिग्री ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन पे है। आप लोग नहीं समझ पाएंगे, साइंटिफिक भाषा है, आप लोग अपनी भाषा खाली कर दीजिए और समुद्र तट से दूर रहिए, कल शाम तक तूफान पहुंच जाएगा। ठीक है चलो भाई चलो, नहीं तो पता नहीं क्या बोलने लगेगा। चलो 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 चलो। हेलो 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 चार्ली, यस साइंटिस्ट पांडे हियर। क्या तूफान का रुख महाराष्ट्र की तरफ हो गया? ओके पांडे जी कहां है भाटिया? मारे नहीं। सुना है तूफान गुजरात की बजाय महाराष्ट्र की तरफ हो गया है। हाँ। कैसे? अब ये तो उसे ही पता होगा। मतलब हमें कोई खतरा नहीं है? नहीं, हम अपने घर वापस जा सकते हैं। हाँ चलो होगा। भाटी जी सैटेलाइट के थ्रू नई पिक्चर आई है, इसके मुताबिक तूफान का रुख वापस गुजरात की तरफ हो गया है। हाँ? क्या यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर? अरे लेकिन मछुआरे तो अपनी बस्ती में वापस चले गए, उन्हें हटाना होगा, फिर मारेंगे। हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है, कभी आप लोग कहते हो बस्ती में जाओ, कभी कहते हो बस्ती से बाहर जाओ, हम क्या करें? देखिए हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम वैसा दे देते हैं। पर आपको ये जानकारी मिलती कहाँ से? देखिए सैटेलाइट के थ्रू हमें जो भी जानकारी मिलती है हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं, ताकि आप सुरक्षित रहें। लेकिन हम रहें कहाँ? जहाँ पहले रह रहे थे। पहले तो हम दूर पार के रिश्तेदारों के पास रह रहे थे। अरे तो आप नजदीक के रिश्तेदारों के साथ रह लीजिए। अरे नजदीक के रिश्तेदार तो हमारे साथ ही भटक रहे हैं। अरे भटके हुए प्राणी, कुछ दिन और भटक लो, कल तक जो है तूफान का फुल एंड फाइनल। पांडे जी क्या उम्मीद है? किस बात की? कि तूफान फिर से मोड़ लेगा? पता नहीं। नहीं पता करिए ना, हो सकता है मोड़ ले। कोई चांस नहीं। क्या? नहीं नहीं मुड़ेगा, नहीं। देखिए इतनी बार तो मोड़ दिया है आपने उसको, एक बार फिर से मोड़ दीजिए। लास्ट टाइम कहाँ? कहीं भी। देखिए पॉसिबल नहीं है, आप समुद्र तट से दूर ही रहें। अच्छा चलो ठीक है भाई, घर चलते हैं अपने अपने। भाई पक्का कल आ जाएगा ना? हाँ कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। हे भगवान, इतना इंतजार तो इसने अपनी बीवी का नहीं किया होगा जितना तूफान का कर रहा है ये। पांडे जी एक बात बताइए, तूफानवा आएगा कि नहीं आएगा? ये तो पूछना पड़ेगा। किससे? तूफानवा जी से। हेलो मौसम विभाग, हाँ हेड ऑफिस से, हाँ बोलो। क्या तूफान ने अपना रुख बदल लिया है? अच्छा किस तरफ? पाकिस्तान की तरफ। यहाँ नहीं है ना? ओके थैंक यू। ओ शुक्ला जी, भाटिया जी, उषा जी, पांडे जी। क्या हुआ पटेल? तूफान ने अपना रुख बदल लिया है। किधर? पाकिस्तान की तरफ। गुड, अब हमें कोई खतरा नहीं है। यही तो मैं जाकर मछुआरों को खबर कर दूं? अरे नहीं यार, पहले पूरा पाकिस्तान तो पहुंचने दो, कहीं रास्ते से इधर मुड़ गया तो। अरे अब क्या मुड़ेगा, गुजरात से आगे जा चुका है। यही तो, रिवर्स गियर थोड़ी मारेगा। हाँ उन्हें भी खबर करते है ना, उन्हें भी खुश होने दो ना। मौसम विभाग आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हम मछुआरा मंडल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? आप हैं। तो मैं ही धन्यवाद करूंगा सर। दीजिए ना। हम सब आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमें तूफान के दौरान ताजा जानकारी देते रहे, जिसकी वजह से हम लोग सुरक्षित रहे। अगर हम लोग तूफान की चपेट में आ जाते तो पता नहीं आज कहां होते। हम आप सबसे खुश होकर आपके लिए तोहफे लेकर आए। ये देखिए, ये तोहफा उषा जी के लिए, ये तोहफा पांडे जी के लिए, और ये पान का बंडल शुक्ला जी के लिए, और ये पॉम्फ्रेट भाटिया जी के लिए, थैंक यू, और ये पटेल जी के लिए, थैंक यू। हेलो चार्ली, पांडे जी स्पीकिंग ओवर। क्या? ओह नो, क्या हुआ पांडे जी? ताजा जानकारी के अनुसार तूफान ने अपना रुख फिर बदल लिया। क्या? वो बैक गियर में गुजरात की तरफ आया। अरे कब आएगा? तब तो पहुंच चुका होगा। अरे संदीप भाई, तूफान आ गया, पूरी बस्ती पानी में डूब गई। हे भगवान, हम लुट गए। एक मिनट,
या मैं प्रेसिडेंट कौन है तो सिर्फ मैं ही रहूंगा। ए भगवान, हम लोग लुट गए।